मेरी एक बहन थी, उनका शरीर अब नहीं रहा, तो मेरा पूजा का कमरा था, उसमें बैठ बैठ के नियम प्रभु को ध्यान करती थी। छोटा ही कमरा था घर में, वो कमरा अब नहीं है, वो बदल फाट के दूसरा चीज बन गया है मेरे घर पर। तो मैं उनको देखा, तुम ये क्या करती हो बैठ के? बोले क्या करती हूँ, जैसे गुरुओं ने सिखाया वही करती हूँ, और क्या करती हूँ। तो उसको देखते देखते मैं फॉलो करने लगा, उनको मैं फॉलो करने लगा, और जहाँ जहाँ बैठ के ध्यान करती थी तो मैं भी वहीं पर बैठ बैठ के जाके ध्यान करने लग गया उसको देख देख करके। तो कहने का मतलब, आप आइडिया लो, जैसे कि आप मूर्ति की पूजा इसलिए की जाती है कि सभी लोग उसकी पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। बिगनिंग में तो मूर्ति आवश्यक है, फिर धीरे 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 वही मूर्ति आपके आंखों के सामने यदि बन जाती है तो उस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम वाले गलत नहीं बोलते, इस्लाम भी सही है अपनी जगह पर, वो चांद और तारे का कराते हैं, उनका इबादत करते हैं। मतलब कि आपको बिगनिंग का जो ध्यान है, बिगनिंग की जो पूजा है, उसका लोग खंडन करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मोहम्मद हजरत साहब ने ऐसा पाठ इसलिए पढ़ाया होगा कि वो प्रारंभिक साधना पहले ही कर रहे होंगे, उतने छोटे स्तर से साधन नहीं करवाना चाहते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उस रास्ते से आए नहीं है। गुरु महाराज ने क्या कहा कि छोटी छोटी साधनाएं जो मूर्ति की पूजा है या चित्र की पूजा है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूजा की शुरुआत तो यहीं से शुरू होती है। फिर मान लीजिए कई कई साधु ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि अगर हम प्रकाश मंडल में आ ही गए हैं तो मुझे फिर से जब से जपने की क्या आवश्यकता है, उसी बिंदु ध्यान करेंगे। तो सबका अपना अपना लेवल है कि किस लेवल से अंदर में वो काम कर रहे हैं और आपको क्या अंदर में सूट करता है। मेरे हिसाब से तो सबसे जो सरल रास्ता हमको जो दिखता है, हम जो अपना रास्ता ध्यान का बनाए हैं, वो ये रास्ता है कि वाचिक और उपांशु और मानस कठिन है। उपांशु और मानस कठिन है, और उपांशु और मानस आपका तभी सही सही बन सकता है जब आपका वाचिक आपका ठोस है। तो वाचिक ठोस करने के लिए एक विधि है हमारे पास, जैसे कि तुलसी साहब थे, गुरु महाराज के गुरु के गुरु, देवी साहब के गुरु। तुलसी साहब ने कहा, निर्माण तो 18 प्रकार के होते हैं, मुझे एक प्रकार से निर्माण प्राप्त करने आता है और 17 प्रकार से मुझे प्राप्त करने नहीं आता है। तो जप करने की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से एक विधि आपको पता है, दूसरी विधि आपको दूसरे से पूछना पड़ेगा। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं जप के लिए एक बाजे रखता हूँ, उसको बजाते रहता हूँ, आँख बंद कर देता हूँ, कमरा बंद कर देता हूँ और खूब देर तक करता हूँ, 7-8 घंटा भी हो जाता है। मेरी विधि एक है, ये विधि सबको नहीं पता है, मेरी ये विधि है। इस विधि से भी कोई आ सकते हैं, और जो गायक है नहीं, बजाते नहीं, तो कैसे इस विधि से आएंगे, उनको कठिन हो जाएगा, उनको दूसरे से सीखना पड़ेगा। हम ये बात भगवान बाबा से पूछे कि मैं इस विधि से जब करता हूँ, लेकिन वो किसी भी विधि से हो, जब में जो तुम आह्वान करते हो वो प्रकट होना चाहिए, विधि तुम्हारी कोई मेरे हिस्से को लेना देना नहीं। तो ऐसे मैं करता हूँ, तो मेरे ये अनुभव करते हैं 7-8 घंटा यदि वाचिक जब आप जैसे सीधा सीधा वाचिक जब आप करेंगे, जब छोटा सा दो शब्द है, ये करने में थोड़ा नीरस होता है, और हमको करना है इसको 10 घंटा, तो इसको थोड़ा सरस बना देंगे, सरस बना देंगे तब ना मजा आएगा करने में, 8-10 घंटा इसको करना है, तो थोड़ा इसको राग में बद कर देते हैं, उसके लिए राग बना करके थोड़ा धुन बना के इसको करते हैं, तो थोड़ा सरस बन जाता है, तब वो करने में आनंद आता है, तब वो 8 घंटा। नहीं तो साधारण सीधा सीधा बोलना, अच्छा जब तो बोलने नहीं कहा गया, लेकिन अगर हम थोड़ा दूसरा चीज बोले, जैसे जय गुरुदेव ब्रह्मा के दिया जाए, इसको थोड़ा देर में बोलेगा आप थक जाएगा, मन निरस हो जाएगा, लेकिन इसी को थोड़ा राग रूप में बना करके तो ज्यादा देर आप कर सकते हैं। तो मेरी अनुभूति करती है 7-8 घंटा जब राग में बना के मैं जब को जपता था, तो ये जब की भूमि बहुत ठोस बन गई है ना। इसके बाद वो उपासु और मानस अपने आप होने लग जाते हैं, करना नहीं पड़ता है। जैसे आप जब 8 घंटा का जब वाचिक समाप्त करेंगे ना, उपासु ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से स्वतः ही बिना किए होते जाता है। उपासु होगा, उपासु का मतलब बहुत ही अल्प प्रयास में, खाली आपको आंख बंद करके बैठे रहना, आपने चूंकि 8 घंटा वाचिक जम के किया है, वो वाचिकी में ऐसी शक्ति रहती कि वो आपको उपांशु करा देगा ऑटोमेटिकली, और स्पॉन्टेनियसली वहीं पर आपका मानस जप हो जाएगा। मानस जप का लग जाना भी इतना आसान खेल नहीं है, बहुत लोगों को बहुत कम ही देर मानस जप होता है, और वो बिना जपे भी जपा जाता है। मानस जब आप नहीं भी जपेंगे तो जपा जाएगा, क्योंकि उसका जो बेस जप है वाचिक जप, वो आपने जप दिया है तो उस तरीके से। इसके बाद उसके बाद जो गुरु रूप सामने उठता है वो टिकाऊ होता है, उसको आप लाठी मार के भगाएंगे तो गुरु भागेगा नहीं, उसको तलवार से काटेंगे तो वो कटेगा नहीं। क्यों?
वो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि उसको उसका जो फाउंडेशन है 8 घंटा जो व्रत किया गया है उस कीमत पर वो सामने गुरु आया है ना, वो कीमत उसको मिली है उस रूप को आने की, तब वो प्रकट हुआ है। ये जब है उसके बाद अपने यहाँ का बिंदु ध्यान है, जैसा कि शायद कल मैं आपको कहा था, बिंदु ध्यान करने की शक्ति सूरत को तब प्राप्त होती है जब मानस ध्यान में गुरु के पदना पर जो है कि हमारी दृष्टि ज्योति है श्री गुरु पदना मणिगण ज्योति सुमृत दृष्टि होती है। मानस ध्यान में गुरु महाराज के पद के नख में जब दृष्टि की धारा जुड़ती है वहां पर, उसका जब निर्णय करती है, जब उसको देखती है तो उस पद नख से कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ कैपेसिटी विजिबिलिटी मिलती है, सत्यता मिलती है। पर हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम दृष्टि साधन करने के लिए जो दृष्टि धारधारों को जोड़ने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करने में सक्षम हो जाते हैं। गुरु महाराज ने जो संतवाणी सटीक में साफ साफ दे दिया है कि जो मानस ध्यान में सफलता प्राप्त नहीं किया है, गुरु के रूप को सही सही नहीं उपाया है, उसे बिंदु ध्यान करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना दृष्टि योग करने की बात करता है वो धरती पर है और आकाश की बात करता है। सभी सेटिंग्स होती है, बच्चा ए लिखा है, ए लिखना सीखा है तो सेकेंड स्टेप में बी लिखेगा, थर्ड स्टेप में सी लिखेगा, जो ए लिखना सीखा है वो सी सीधे लिखेगा, पहले बी लिखेगा फिर सी लिखेगा। तो जो हमारे यहाँ तो आएगी मानस जब से शुरू करना है, लेकिन हम प्रैक्टिकली करके बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल करने में ऐसा देखने में आता है, आप मानस जब करने के लिए बैठेगा आपका जब लगेगा ही नहीं लगेगा, तब हमको लगा कि ये लगता क्यों नहीं है, तब हमको लगा कि पीछे में 3 जब है वो मैंने छोड़ दिए हैं, उपांशु बाची ये छोड़ दिए हैं जिसके, तो हमको लगा कि जो पहला वाला जो है बाची ये तो आसान है। अरे बोलना होगा तो बहुत आसान है, बोल बोल के तो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग बोलते ही हैं, आपस में बात करते हैं, बोल बोल के करते हैं, तो हमको लगा कि मानस जब होता क्यों नहीं है, कारण क्या है इसका। दो प्रॉब्लम हुआ, LKG UKG जो क्लास जो छोड़ दिया है बातचीत जब, और उपांशु जब बोला किसी कारण ये नहीं लगता है, तो हमने बातचीत पर बल दिया कि बातचीत का फाउंडेशन जो ग्राउंड वर्क है इसको मजबूत करेंगे। आज जैसे बातचीत का काम करेगा 8 घंटा 9 घंटा आप जम करके, ये सारे के सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। फिर बिंदु ध्यान में है कि एक रूप का ध्यान करना है, एक रूपता की प्राप्ति करने के लिए किया गया है, बहुत अच्छा है। मानस ध्यान में बहुत लंबे कोर्स है उसके, जैसे मानव ध्यान में गुरु के एक मूर्ति का ध्यान करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं, उसमें किसी का तो उगता है किसी का नहीं उगता है, किसी को गुरु उगता है तो वो उससे वार्तालाप नहीं हो सकती है, और किसी को गुरु उगता मात्र है वार्तालाप नहीं हो रही, किसी को उगता है और गुरु से बातचीत भी होती है, किसी को उगता है गुरु से बातचीत भी होती है और वरदान की भी प्राप्ति होती है, और किसी को जब ये तीनों हो जाता है अथवा तीनों में से कोई एक जैसे गुरु ने उनको बुला लिया, अब वो थोड़ा सा तो उसका स्तर ऊंचा होगा, वो मानस ध्यान तक प्रविष्ट हो गया ऐसा है। अब वहां पर थोड़ा और टर्न लीजिए, बहुत सारे साधु ऐसे मिले हैं जो मानस ध्यान में गुरु महाराज से उसका झगड़ा चलता है, क्योंकि मानस ध्यान करते करते इतनी शक्ति लग जाती है, तो हम बहुत से साधु उदाहरण में हम नाम बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, आपको केवल इतना मोटा जाते हैं, बहुत से साधु ऐसे हैं जो मानस ध्यान में गुरु महाराज का दर्शन करते हैं और गुरु महाराज से सबका झगड़ा चलता है। तो वहीं पर मेरा एक निदान है, गुरु से झगड़ा करना इसका फल तो बहुत कठिन और बड़ा खराब होता है। अगर ऐसे ध्यान में आपकी स्थिति हो जाए कि मानस ध्यान में गुरु महाराज से आपका झगड़ा हो जाए, तो आप थोड़ा हटके किसी देवता की तरफ चलिए। मानस ध्यान है वो रूप ध्यान है, रूप ध्यान में बहुत सारे देवता भी आते, देवलोक भी है वहाँ, जैसे कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। अब कृष्ण भगवान का ये तो संपूर्ण वाला माना ध्यान सुन रहे हैं, और कृष्ण भगवान का माना ध्यान कैसे होगा, राधा और कृष्ण भगवान टेढ़ी मुद्रा में ऐसे करके रहेंगे, पैर नृत्य की मुद्रा में रहेगा, राधा और कृष्ण के तस्वीर आप देखते होंगे। इन सारी मुद्राओं पर हजारों भजन पर बनाए गए हैं, टेढ़ो का ना टेढ़ो राज का, यह गलत नहीं है। हम जो कह रहे हैं आप ये कि भगवान आप तो गुरु महाराज की भक्ति कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान की भक्ति पर आप क्यों आ गए, गुरु महाराज ने खुद लिखा राम को सिंह को
तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे भागवत के हम भजन गा रहे थे, तो हमको कुछ कृष्ण भगवान की अनुभूतियां भी होने लगी। तो हमारे साधु साधु के हमको चिढ़ाते थे, अरे संतों को रिझा नहीं सका, जरा देवताओं को रिझा नहीं, कृष्ण है कहाँ जो उसको तुम रिझा रहे हो, वो कबीर वाले थे, हमें पूरे तुम ये बताओ कि कबीर है कहाँ जो तुम उसको रिझा रहे हो। वो कहते थे कि कृष्ण ही नहीं है, उसको रिझाना ही संभव नहीं है, हमें कबीर भी और नहीं है उसको भी रिझाना संभव नहीं है। अरे कृष्ण मेरे हृदय में है, सबके हृदय में है, जितने कृष्ण वैष्णव संप्रदाय के सबके हृदय में कृष्ण कृष्ण क्या नहीं है क्या? गुरु महाराज अभी शरीर अभी शरीर में नहीं है, और शरीर अवस्था में तो गुरु महाराज है ना, अभी कृष्ण भगवान भी है। तो मैं कृष्ण भगवान की जो कर रहा था तो उसके भी महाराज ध्यान अलग अलग होते हैं, रूप थोड़ा अलग होता है, उनके भी नियम है कि कहाँ ध्यान करना चाहिए, कहाँ करना कैसे करके। अगर आपका गुरु महाराज से प्रेम भाव अंदर में चल रहा है तो गुरु का ही करते रहना चाहिए, अगर वहां आपका झगड़ा हो जाए तो गुरुमठ में हट जाना चाहिए, ये मेरा निदान है। और हमारी स्थिति जब हुई थी तो मैं देवताओं के कुछ दिन करने लग गया। अरे ठीक है, देवताओं का लोग जो होता है प्रकाश मंडल वाले होते हैं और नाग में नहीं होते हैं, अपने संकमत में देवताओं की स्तुति तो नहीं की जाती, परंतु गुरु महाराज देवता को प्रणाम करते थे। संत भगवंत में अंतर नहीं माना गया है, हम तो नहीं मानते हैं, तो हाँ देवताओं की शक्ति कुछ कम होती है, संतों की तुलना में देवताओं की शक्ति कम होती है, परंतु उनमें कुछ शक्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं। तो फिर गुरु का ध्यान किए, फिर दृष्टि हो गए, फिर नादानुसंधान हम लोग में, नादानुसंधान शब्द का ध्यान है, इसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसमें रूप से पल्ला छोड़ जाता है, संपूर्ण संसार हम आपका रूप, पुर का रूप, पुर का रूप, पुर का रूप, पूरे मकान का रूप, आसमान का रूप, ये सारे इतने सारे रूप हैं, इन रूपों से पूरा का पूरा नाता टूट जाता है और शब्द पर हमारे 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 श्रवण की शक्ति वहां पर एकाग्र होती है। जो नादानुसंधान है, तो नादानुसंधान में दृष्टि में सफलता प्राप्त किए बिना नादानुसंधान में भी सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, दृष्टि योग का बहुत ज्यादा अभ्यास करने पर यदि दृष्टि योग ठीक से आप नहीं करवा रहे हैं फिर भी आप नादानुसंधान का अभ्यास कर सकते हैं। नादानुसंधान का अभ्यास वो आपको नादानुसंधान की दीक्षा लेनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा, और बहुत सारे समुद्री है, बीन है, नगाड़ा है, बहुत सारे झरने की आवाज है, नदी के झरनों की आवाज है, ये सब आती है। और गुरु महाराज ने कई पदों में स्तुति भी की है कि हमें इन आवाजों में नहीं फंसना चाहिए, इन आवाजों में हमें नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें सत धुन या सार धुन है उस धुन को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, सार धुन कौन पकड़ सकता है? जो सार रूप से पूर्ण रूप से साधु होगा वही पकड़ सकता है, इसमें सांसारिकता भरी हुई वो सार धुन को नहीं पकड़ सकता। सार धुन पकड़ना इतना आसान है क्या? सब कुछ को त्याग करके परमात्मा के सार शब्द को पकड़ करके वो सतपुरुष तक पहुंच जाना बच्चा बच्चे थोड़ी है, उसका पूरा जीवन ही महान साधु जैसा हो जाता है। जीवन का जैसे जैसे आपके जीवन में साधुता जैसा बदलाव आता जाएगा वैसे वैसे आप साधनात्मक ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे। एक व्यक्ति है साधना की बड़ी बड़ी बातें करता है परंतु संसार में उसका जीवन पूरा संसारियों के जैसा है, उसको आप साधु मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। साधुता में क्या है? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक गुलाब प्रेम सो सत्संग करते। ऐसा है ना, मुक्त पुरुष के अक्षर में वो विरागी होते जाएगा। अच्छे साधु जो साधन की तरफ बढ़ने का कोई कोशिश करेगा उसका संसार पूरा छूटता जाएगा, बहुत प्रेम से सत्संग करेगा, वो मुक्ति का रास्ता हमेशा खोजता रहेगा अथवा खोज लिया रहेगा। ऐसा होता है। जिन करिश्मा का जीवन मेरे से बहुत ज्यादा साधु में जीवन है, एकांत में रहते हैं, किसी भी प्रकार का किसी कोई शिकायत नहीं, बहुत उनकी कुटिया में गए हम रात में ध्यान करने में इतना मजा आया, इतना आनंद आया, चारों ओर से एकांत है, कोई नहीं है, ये सब जो दृश्य है, तो ये इसको कहते हैं चढ़ा हुआ जीव चाहे साधना मार्ग में बढ़ा हुआ जीव। ऐसे हिमालय पर भी बहुत सारे योगी हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, एक हिमाचली बाबा हैं, वो हिमाचल प्रदेश में, वो ऊपर हिमालय पर कुटिया बना कर रहते हैं, वो उसकी कुटिया, हम लोग बाबा मैं 60 वर्ष के बाद आपकी कुटिया में आऊँगा, बोले हाँ तुम आ जाओ।
और कहने का मतलब यदि आपको परमात्मा से प्रेम है तो फिर संसार आपका छूटेगा, दोनों तरफ प्रेम नहीं हो सकता। आपको संसार से भी प्रेम है तो फिर परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, और फिर परमात्मा से प्रेम है तो संसार आपका छूटता चला जाएगा। जितना जितनी मात्रा में संसार आपका छूटता है उतनी मात्रा में परमात्मा से आप मिलते जाते हैं। ये बात जितनी मात्रा में संसार छूटता है, आपको संसार क्योंकि पकड़े हुए इसलिए परमात्मा आपका नहीं हुआ है। जिस दिन आप पूरा संसार छोड़ देंगे उस दिन आपको पूरा परमात्मा मिल जाएगा, और जिस दिन थोड़ा संसार छोड़ेंगे उस दिन आपको थोड़ा परमात्मा की कुछ झांकियां प्राप्त होगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो हम संसार छोड़ते कितना है, कितना हम संसार छोड़े हैं, कितना छोड़ने की योजना बना रहे हैं, कितना कुछ दिन में छोड़ देंगे उतना ही परमात्मा का अंश हमें प्राप्त होगा। परमात्मा इतना आसान नहीं। एक बार गुरु शरण बाबा से मैंने पूछा कि बाबा बताओ कि परमात्मा है कैसा, इतने दिन से परमात्मा की तुम खोज कर रहे हो। वो इतना शांत है, इतना शांत है, इतना शांत है कि उस शांति उस शांत देश में तुम्हें रख दिया जाए तो तुम वहां रह नहीं सकोगे, क्योंकि तुम बार बार तुम्हारी जो आदत है अशांत संसार में रहते हो, और वो पूर्णतः शांति का देश है। शांति देश से तात्पर्य स्थान, बहुत शांत है परमात्मा, शांत स्वरूप वाला है। तो शांत स्वरूप जैसे कि कोई अंतरिक्ष में रहना चाहे तो उसका अभ्यास करेगा तभी तो रहेगा, या तो पत्नी बच्चे और देशवासियों के साथ रह रहा है वैज्ञानिक को, अब वो अंतरिक्ष में रहना चाहता है, अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं जी, उसका अभ्यास करेगा तब तो कोई शांति की खोज नहीं करेगा तो शांति स्वरूप परमात्मा में मिलकर वो फिर रहने के बाद भी वहां से भी फिर बोलेगा मुझे संसार की तरफ ला दो। अरे संसार में तो सारे जीव थे, बात उठ करते थे, मन लगता था, यहाँ तो अकेले रहो, शांत 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 शांत, मजे ही नहीं आ रहा, ऐसा हो जाएगा वहां। इसलिए शांति का पूरा अभ्यास करना पड़ता है, शांति का पूरा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे साधनात्मक जो आपको अनुभूतियां होती है, मानस ध्यान की अनुभूतियां, चतुर्भुज रूप के दर्शन, अष्टभुज रूप के दर्शन, और आप वैष्णव में यदि चलेंगे, कृष्ण संप्रदाय में चलेंगे तो वहां जो है कि विराट रूप के दर्शन है, गुरुप के दर्शन, बहुत सारे रूप है। आप गीता प्रकाश में गुरु महाराज ने जो व्याख्या लिखी उसमें आप पढ़ेंगे, वो सब होते नहीं है। आप पूरा रूप लोक में चलते रहोगे, वह सब आपको दृश्य दिखते रहेंगे, आप वही सब देखने के आदि रहोगे तभी तो उस दृश्य लोक में भी समाहित हो सकते हो। अब हम करते क्या है, थोड़ा देर ध्यानात्मक सुखों की अनुभूतियां लेते हैं, फिर संसार के जो सुख है उसमें चले आते हैं। ज्यादातर योगी आज भोगी भी है, योगी है उसको भोग सामग्री भी है, भोग भी करते हैं, परंतु श्रेष्ठ मेरे हिसाब से जिसका भोग धीरे धीरे घटता जाए और योग बढ़ता जाए वो अच्छा योगी माना जाएगा। हमको कई लोग बोलते हैं आप चार चक्का वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा चार चक्का वाहन का प्रयोग करने से क्या हो जाता है, व्यक्ति ज्यादा बड़ा ज्ञानी हो जाता है, ये तो फालतू बात है। चार चक्का वाहन का प्रयोग करने से व्यक्ति ज्यादा बड़ा ज्ञानी हो जाता है क्या। ध्यान करने के लिए तो एक महिला थी हिमालय पर, तो उसको हिमालय पर खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने आराधना की परमात्मा से कि हे परमात्मा यहाँ तो खाने की व्यवस्था ही नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगी। तो परमात्मा ने उसको एक बुद्धि सिखा दी कि हवा में ऐसे मुंह करती थी और हवा आ जाता था मुंह में, उसी से उसका पेट भरने लग गया, तो वो सीख गई, वो सीख गई हवा में खा खपी करके कैसे रह जाता, उस परिस्थिति ने उसको सिखा दिया। इसलिए अभाव भी आपका सबसे बड़ा गुरु है, आपको वाहन नहीं है चलने के लिए, आप अच्छे योगी हैं तो हो सकता है योगी परमात्मा आपको कृपा करके आपको वहीं से वायुगमन करने की शक्ति प्रदान कर देगा, अगर परमात्मा पर आपको पूरा विश्वास है तब। हमने सुना है कि गुरु महाराज अपने जो गुरु महाराज थे वो वायुगमन कर करके देश विदेश भ्रमण किया करते थे, जो प्रियंका जापान वाले थे उसके पास गए थे सुख शरीर से, ये सब शक्तियां उनको मिली कैसे, उसको आराधना किया तभी तो मिली। तो आराधना करने में अभाव भी हमारा बहुत बड़ा शिक्षक होता है, हम जब अभाव में चले जाते हैं वहां भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है। हम जब बी ए या पी एच डी ये सब पढ़ाई कर रहे थे तो कभी कभी मैं फेल भी करता था, कभी कभी टॉप भी करते थे, कभी कभी फेल भी करते थे, तो जब टॉप करते थे तो बहुत खुश में हो जाता था जीवन, और जब फेल करते थे तो दिन परमात्मा को तो पता था कि आज तो ये बहुत होने वाला है क्योंकि आज तो इसको फेल मैंने किया है, तो जैसे फेल करते थे उस दिन मेरा ज्ञान और बढ़ा देता था परमात्मा कि आज तो ये खूब रोएगा अंदर में जाकर के कि आज इसको मैंने फेल दिखाया ऊपर से,
तो फेल करने के बाद और आनंद इसलिए बढ़ जाता था क्योंकि उस दिन और एक बड़ा ज्ञान हमको परमात्मा दे देता, इसलिए हमारी असुविधाएं भी हमें बहुत बड़ा शिक्षा दे सकती है। जैसे कि अंधकार मंडल में बहुत दिन तक रहना पड़ता है। अच्छा, अंधकार मंडल का यह दुख है क्यों? जन्म के हमारे जो कुसंस्कार है उसी का एक प्रमाण पत्र ही अंधकार मंडल, अंधकार अज्ञान अंधकार है। अच्छा, इन अंधकारों को मान लिया हम भोग लेंगे तो फिर क्या होगा? ये अंधकार को भोगना थोड़ा कठिन है। अंधकार मंडल में आप बंद करके देखते रहो कितना दिन तक देख रहे हो, उसमें शून्य है, बहुत प्रकार का शून्य है। शून्य जाइएगा, शून्य के भीतर शून्य है, फिर उसके भीतर शून्य है, फिर उसके भीतर शून्य है। जो अंधकार का आकाश है, आकाश का अंत होता ही नहीं है। तो तुलसी साहब ने घटरामायण में कहा कि ऐसी बुद्धि का प्रयोग करो कि न यह आकाश रहे, आकाश है तभी शून्यता है, आकाश है तभी तारे, आकाश है तभी चांद है, इस आकाश का ही अंत कर डालो, इसलिए सबके पास चले जाओ। क्या कैसे करेंगे? ये तो आपको ध्यान करके देखना पड़ेगा कि जो नया आकाश है तो ये आकाश नहीं, ध्यान करने पर जो अंतर्ग्रहण आकाश है उसकी बात की कर रहा हूं। इस आकाश का अंत किया कैसे जाए, आपको खोजना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि आकाश का अंत कैसे कर्म किया जाए। जैसे आप वृद्ध हो गए और चाहते हैं वृद्ध शरीर से आपका ध्यान नहीं हो रहा, अब आप क्या बुद्धि लगाएंगे वहां? आप ऐसे महात्मा को खोजो जो कि कभी वृद्ध थे नहीं। कौन थे वो? सनक सनंदन सनातन संत कुमार, हमेशा 5 वर्ष के दिखते हैं। अगर कोई बुद्धिमान जाके उससे मांग ले कि सनक बाबा का आह्वान करके उससे मांग ले कि आप में जो शरीर में जो ये गुण है, इस गुण से अगर वो गुण मेरे शरीर में प्राप्त हो जाए तो बुढ़ापा के दुख से दर्द से मैं अलग हो जाऊंगा और हमेशा जवान की तरह परमात्मा की भक्ति कर सकूंगा, तो आप उसकी भक्ति करेंगे तभी तो सनक सनंदन आपको क्यों दे देंगे कुछ, उसके आप भक्ति किए रहेंगे तब तो भगवान। हाँ, हनुमान जी क्या करते थे? क्या थे? सूर्य को निगल के खा जाते थे, ये तो शिव के ही अवतार है भगवान हनुमान जी। अब अगर आप चाहें कि हमें शिव को निगल के खा लें तो हनुमान जी का भक्ति कीजिएगा तभी तो। हनुमान जी की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, और हनुमान जी की भक्ति करने वाले बहुत को अभी भारत में एक है, रावतपुरा सरकार MP में है, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और रावतपुरा सरकार जी की कई घटनाएं हैं, वो 5 करोड़ 4-5 करोड़ की लागत से यज्ञ करा रहे थे, इधर कुछ 10-20 साल की बात है। यज्ञ में कुछ सामग्रियां घट गई, यज्ञ की सामग्री जो होती है सामान मान, तो कुछ सामग्रियां तो आई तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी ये चीज यज्ञ में घट गया है। तो रावतपुरा सरकार ने कहा कि 2 घंटे इंतजार करो, कहा कि 2 घंटे इंतजार करो। फिर वो ध्यान करने बैठ गए और योग बल से कई ट्रक सामान लेकर आ गए, और जब ट्रक वाले से पूछा गया आप कहां से आए, तो बोला कि हमको पता नहीं कि हम कहां से आए, हमको कहा गया ये सामान यहां उनको उतार देना है, योग बल से कर देते। तो ये सब उनके बारे में रावतपुरा सरकार जी के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म के ही योगी हैं, वर्षों से ध्यान कर। हमसे मेरी मुलाकात थी कुंभ मेला में, मैं उनके दर्शन करने गया, हमको काफी समय लगा इंतजार करना पड़ा, तो कमरे से ध्यान से निकले तो हमारे कंधे पर से करके हाथ रख दिए वो और तो अपना नंबर उम्बर दिए। तो बहुत सारे महापुरुष भारत में हैं। अभी आपने पाठ में सुना ना, अपने पाठ में कि आज जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको उत्पन्न करने के लिए ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। तो ये सारे बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी लोग संसार में हैं, भारत की धरती पर तो ज्यादा है, विदेशों में भी है। विदेशों में रशिया में एक हमारे मित्र हैं, देखिए हमारे वरिष्ठ हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं कर पाऊंगा, समय हो गया है, बाबा का आदेश इतना ही था, 2-3 मिनट ज्यादा हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु।